क्या आप जानते हैं कि किराना स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कहीं भी शुरू करें, हर जगह ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। भले आप गांव में स्टार्ट करें, किसी छोटे मोहल्ले में स्टार्ट करें, शहर में शुरू करें, कस्बे में शुरू करें, हर जगह आपको अपने लिए ग्राहक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ डॉट कॉम, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना किराना स्टोर का बिजनेस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो इसके लिए आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किराना स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये एक लो रिस्क बिजनेस है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि वो दाल, चावल, आटा, ये प्रोडक्ट तो कंज्यूम करेगा ही करेगा, इसलिए आपके पास ग्राहकों की कमी नहीं है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आपके लिए नए नए कंज्यूमर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। साथ ही साथ ये रिसेशन फ्री बिजनेस है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर हर किसी को किराना स्टोर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना, परचेज करना उनकी मजबूरी है, इसलिए ये एक रिसेशन फ्री बिजनेस भी है। दोस्तों, किराना स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप जितनी मर्जी कम में चाहें उतने मर्जी कम पैसे में शुरू कर सकते हैं, या फिर आप जिसे जितना मर्जी बड़ा स्केल करना चाहें उतना ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हर कंडीशन में प्रॉफिटेबल रहता है, आप कभी भी नुकसान में प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अर्न करके, कुछ प्रॉफिट अर्न करके ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और इसके लिए आपको कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। अगर आप किसी छोटे मोहल्ले में भी अपनी दुकान शुरू कर रहे हैं जहां पर आपको 50 या 100 फैमिलीज भी मिल जाएंगी, तो आप उनको ही प्रोडक्ट सेल कर महीने का एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग ए किराना स्टोर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि किराना स्टोर होते किस किस तरीके के हैं। अब दोस्तों, आपने डिसाइड किया है कि आपको किराना स्टोर शुरू करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस टाइप का किराना स्टोर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ किराना स्टोर। सबसे पहला तरीका, जो सबसे पुराना तरीका है, हमारा ट्रेडिशनल स्टोर। जैसा कि आप अपने घर के आसपास अपने मोहल्ले में देखते होंगे कि छोटी बड़ी दुकानें आपको नजर आती होंगी किराना स्टोर की, ये दोस्तों ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स हैं, जो कि आप 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट या जितनी मर्जी बड़ी आप चाहें उतने मर्जी बड़े स्पेस में आप अपना किराना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डीलिंग कैसे होती है, ग्राहक आता है आपसे प्रोडक्ट मांगता है और आप उन्हें प्रोडक्ट निकाल कर दे देते हैं। कई बार आपको पूरी लिस्ट लेकर आते हैं और उस लिस्ट का सामान आप उन्हें दे देते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में क्या होता है, इस ट्रेडिशनल स्टोर बिजनेस में आपका सीधा इंटरेक्शन आपके कस्टमर के साथ होता है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है और जो आपके ग्राहक होते हैं वो लंबे समय तक आपके साथ बने हुए होते हैं। दोस्तों, ट्रेडिशनल स्टोर से एक स्टेप आगे जो आज के दिन सुपरमार्केट मॉडल आ चुका है, जो दूसरा मॉडल है हमारा बिजनेस करने का, किराना स्टोर स्टार्ट करने का, वो है सुपरमार्केट मॉडल, या फिर आप इसे मार्ट मॉडल भी कह सकते हैं, या फिर दोस्तों इसे आप मॉडर्न किराना स्टोर मॉडल भी बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बड़ी सारी दुकान मिलती है, सारे प्रोडक्ट डिस्प्लेड होते हैं, आप ट्रॉली लेकर पूरे स्टोर पर जाते हैं और आपको जो जो प्रोडक्ट चाहिए आप अपनी ट्रॉली में पिक कर लेते हैं और लास्टली काउंटर पर जाकर आप बिलिंग करवा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई बार डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन दुकान के मालिक के साथ नहीं भी होता है, यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्डिंग कम होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग इसलिए आना पसंद करते हैं कि वो अपनी पसंद का सामान खुद से चूज कर लेते हैं और कई बार यहाँ पर वो ऑफर्स चेक कर भी अपनी पसंद के मुताबिक सामान ले पाते हैं। और फ्रेंड्स, जब डायरेक्ट कस्टमर पूरे दुकान में अपने हिसाब से सामान चूज कर रहा होता है तो कई बार आपकी सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो उसे नहीं लेने थे दोस्तों वो प्रोडक्ट्स भी वो अपने बास्केट में ऐड कर लेता है और आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से मॉडर्न स्टोर्स का चलन पूरी इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज के दिन ये मॉडर्न स्टोर्स गाँव में भी खुल रहे हैं। आप अपने नॉर्मल किराना स्टोर या ट्रेडिशनल किराना स्टोर को अपग्रेड मॉडर्न किराना स्टोर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम 500 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए ताकि आप अपने सभी प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिस्प्ले कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल किराना स्टोर और मॉडर्न किराना स्टोर के बारे में, लेकिन एक और तरीका है सेल्स का जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो है ऑनलाइन। हर किसी के हाथ में आज के दिन 4G मोबाइल है, लोग ऑनलाइन डेटा बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेज करने की लोगों को आदत पड़ चुकी है और दोस्तों आज के दिन ग्रोसरीज भी ऑनलाइन परचेज हो रही हैं।
दोस्तों अगर आप चाहें तो आप अपना किराना स्टोर भी ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। आज के दिन बहुत सारे आपको रेडीमेड ऐप्स मिल जाएंगे जिनकी की मदद से आप आसानी से ऑनलाइन किराना स्टोर स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों आप फेसबुक या फिर व्हाट्सएप की मदद से भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपको कोई भी स्टोर लेने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने घर से भी इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। आप सिर्फ थोड़ी सी ऑनलाइन प्रमोशन कर कस्टमर ले आए और ऑनलाइन ही उनको गुड्स डिलीवर कर दें, तो यहां पर आपका शॉप का एक्सपेंस बच जाता है और दोस्तों साथ ही साथ आपको ऑनलाइन कंज्यूमर्स भी मिल जाते हैं। तो यहां पर मैंने आपको तीन मॉडल बताए बिजनेस करने के, ट्रेडिशनल किराना स्टोर, मॉडर्न किराना स्टोर और साथ ही साथ ऑनलाइन किराना स्टोर। तो अब इसमें से आप कौन सा मॉडल चूज करें और क्यों चूज करें? तो दोस्तों अगर आप नॉर्मली किसी गांव में या फिर अपने किसी मोहल्ले में कोई स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि यहां पर आपको गिनती के कस्टमर्स आएंगे जिनसे कि आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना जरूरी है, देन आप ट्रेडिशनल किराना स्टोर खोलें जहां पर आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें अपने सभी ग्राहकों के साथ, सो देट कि वो लंबे समय तक आपके साथ रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लिमिटेड कंज्यूमर बेस मिलना है और वो लिमिटेड कंज्यूमर बेस अगर इधर उधर भटकेगा तो कभी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और कभी प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अगर आपने उनके साथ एक सही रिलेशन बना लिया देन आपका प्रॉफिट हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्केट बेस बहुत बड़ा है और आपके पास जाने अनजाने कस्टमर भी आ सकते हैं और आप अगर किसी बड़े मार्केट में स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप मॉडर्न किराना स्टोर स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार आपके दुकान की लुक एंड फील की वजह से भी आपके पास ग्राहक ज़्यादा आते हैं और इसी वजह से आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते और अगर आप अपने घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो भी ऐसा बिजनेस जो कि रजिस्ट्रेशन फ्री हो, रिस्क फ्री हो, कम इन्वेस्टमेंट में हो जाए, देन आप ऑनलाइन सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी अदर या फिर आप गूगल माई बिजनेस की मदद से भी ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं और आप इस बिजनेस को ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं बिना कोई फिक्स्ड कॉस्ट लगाए। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जाना कि किराना स्टोर करने के बेनिफिट्स क्या हैं और हम अपने किराना स्टोर को किस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन से मॉडल का किराना स्टोर शुरू करना है, अब इसमें प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो एक एक करके हम इन सभी प्रोसेस को जान लेते हैं। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है लोकेशन। दोस्तों लोकेशन अगर आपकी अच्छी हो तो आपके पास कई बार ग्राहक अपने आप आ जाते हैं, आपकी सेल्स सिर्फ लोकेशन की वजह से इंक्रीज हो जाती है। आपको लोकेशन चूज करते हुए ये ध्यान में रखना है कि आपकी लोकेशन इजीली फिजिबल होनी चाहिए, कोई भी आसानी से आपकी लोकेशन पर पहुंच जाए, और चूंकि आप किराना स्टोर में डील कर रहे हैं तो लोगों के पास वजन ज़्यादा होगा, इसी वजह से आपकी लोकेशन फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पर ना हो, कोशिश ये करें कि आपकी जो लोकेशन हो वो ग्राउंड फ्लोर पर हो। अगर दोस्तों फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पर है तब वहाँ पर लिफ्ट का होना अनिवार्य है, अदरवाइज आपके पास सिर्फ लोकेशन की वजह से ग्राहक कम आएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपने लोकेशन चूज कर ली, लोकेशन के बाद आपने शॉप रेंट पे लिया, परचेज की, जैसे भी आपने लिया आपने एक लोकेशन पर एक शॉप ले ली। अब इसके बाद आपको इंटीरियर कैसा कराना है, क्योंकि इंटीरियर का लुक एंड फील बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको रैकिंग सिस्टम कैसे कराना है। किराना स्टोर में बेसिकली छोटे सामान भी होते हैं जैसे साबुन, तेल, सर्फ, ऐसे बहुत सारे पैकिंग वाले आइटम होते हैं, छोटे आइटम होते हैं जिनके लिए आपको छोटे रैक्स चाहिए होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बड़े बड़े सामान होते हैं जैसे चावल के पूरे कट्टे आते हैं, दाल के कट्टे आते हैं, चीनी का पूरा बोरा आता है, इनके लिए आपको बड़े ड्रम चाहिएंगे। अगर आप लूज बेच रहे हैं तो इनके लिए आपको बड़े ड्रम आपको परचेज करने पड़ेंगे या फिर कस्टमाइज्ड बनवाने पड़ेंगे। दोस्तों आपको जो अपना इंटीरियर डिजाइन करवाना है या फिर जो रैक्स बनवाने हैं वो इस तरीके से बनवाने हैं कि वहां पर छोटे पैक्ड आइटम भी आसानी से रखे जा सके और बड़े आइटम्स के लिए भी एम्पल जगह हो और आप अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिस्प्ले कर सके बाहर काउंटर पे खड़े हुए आपके ग्राहक को सारे प्रोडक्ट्स आसानी से नजर आए, ये बहुत जरूरी है। तो आपने इंटीरियर अच्छा कराया, इसका इफेक्ट पहला ये पड़ेगा कि आपको आपके सारे प्रोडक्ट्स आपके आंखों के सामने रहेंगे और दूसरा आपके ग्राहक की आंखों के सामने रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेल्स में बढ़ोतरी जरूर होगी।
दोस्तों यहाँ पर आपने लोकेशन चूज कर ली, इंटीरियर डिजाइन करा लेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइसेंसिंग, दोस्तों यहाँ पर एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आपको कौन कौन सी लाइसेंसिंग या फिर रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे अगर आप किराना स्टोर शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहला, आप जिस भी राज्य से हैं या फिर आप जिस भी नगर निगम के अंडर में आते हैं या पंचायत के अंडर में आते हैं, आपको हर जगह दुकान खोलने का लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसे हम ट्रेड लाइसेंस कहते हैं या फिर शॉप लाइसेंस कहते हैं। ये आपको आपकी पंचायत से, ब्लॉक से या फिर नगर निगम से मिलता है, तो वहां से आपको दुकान शुरू करने का लाइसेंस लेना होगा। आपको ये अगर वजन करना है तो वजन के लिए आपको नाप तोल का लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि दोस्तों अगेन हर ब्लॉक लेवल पर नाप तोल विभाग वाले होते हैं, वहां से आसानी से आपको मिल जाएगा। या फिर आप जहां से तराजू परचेज करेंगे वो डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस लेकर दे देंगे। और साथ ही साथ चूंकि आप खाने पीने की चीजों में डील कर रहे हैं, इसलिए आपको फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना जरूरी है। दोस्तों इसे हम FSSAI लाइसेंस भी कहते हैं। ये भी आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर के थ्रू इसे बहुत ही कम कीमत में ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेल्स या परचेज 40 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाएंगी, तो आपको GST नंबर लेना भी अनिवार्य है। दोस्तों यहां पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई अलग अलग राज्यों में GST की लिमिट्स अलग अलग हैं, तो दोस्तों आप एक बार किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बात की जानकारी ले लें कि आपकी लिमिट्स कितनी है। वैसे आप gst.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर भी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके राज्य में किसी बिजनेस करने के लिए फ्री लिमिट कितनी है, तो आप यहां से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहां पर आपने लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब आपको ये जो फर्म बनानी है, ये फर्म आपको प्रोप्राइटरशिप बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है। नॉर्मली दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में ही चलते हैं ऐसे मैक्सिमम बिजनेस। दोस्तों नॉर्मली जो मॉडर्न बड़े किराना स्टोर ओपन होते हैं, जहां पर इन्हें अपनी ब्रांचेज अलग अलग जगह ओपन करनी होती है, ऐसे स्टोर्स कई बार प्राइवेट लिमिटेड भी ओपन होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू करवा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप के लिए एज सच आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप अगर GST नंबर लेंगे या फिर शॉप लाइसेंस लेंगे, तो उसी की मदद से आपका करंट अकाउंट किसी भी बैंक में आसानी से ओपन हो जाएगा। आज के दिन बैंकिंग सिस्टम भी हमारे बहुत सरल हो चुके हैं। दोस्तों आप सिर्फ अपनी KYC कंप्लीट कर आसानी से अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नाउ दोस्तों, अब आपकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया हो गई है। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आपने कर ली, मतलब आप दुकान खोलने के लिए अधिकृत हो गए हो। अब आपको अपनी मार्केट को समझना है कि जो आप मार्केट है वहां पर क्या प्रोडक्ट चलेगा, क्या प्रोडक्ट नहीं चलेगा। और ये सब कुछ करने के बाद आपको एक पूरी लिस्ट तैयार करनी है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा सेल करेंगे। आप उन प्रोडक्ट्स के लिए एक पूरी लिस्टिंग तैयार करेंगे। अब आपकी लिस्टिंग तैयार होने के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो होता है वेंडर चूज करने का, जहां से आप ये सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे सेल्स करने के लिए। तो दोस्तों अब आपकी लिस्टिंग हो चुकी है। लिस्टिंग करने के बाद अब आपको वेंडर चूज करने हैं। वेंडर चूज करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है? दोस्तों जिस भी आप मार्केट से हैं, हर एक मार्केट में आपको होलसेल मंडी होती है। आपको उस मंडी पर जाकर आपने जो लिस्ट बनाई है उसके प्रोडक्ट के प्राइसिंग के बारे में पता करें कि होलसेल पर लेने पर किस प्रोडक्ट में आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों के आपको CNF या फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप उनके पास जाकर भी सीधी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। और उन्हें आप या तो अपने दुकान का एड्रेस दे दें, वो सीधा आपके दुकान पर आकर आपसे ऑर्डर ले लेंगे, या फिर दोस्तों आप वहीं से ऑर्डर परचेज कर सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो आपको अलग से 1-2% का कैश डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप मांगेंगे तो मिलेगा और नहीं मांगेंगे तो शायद आपको ये नहीं मिलेगा। जब भी आप बल्क में परचेज करें तब आप उनसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट की डिमांड जरूर करें। नाउ फ्रेंड्स, अब आपके प्रोडक्ट परचेज हो गए हैं, आपको इनकी प्राइसिंग लगानी है। अब प्राइसिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पर बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पर नहीं बेचना है। जैसे कि दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, लोग जब आपकी दुकान पर आते हैं तो नॉर्मली 2-3 चीज़ों का प्राइस पूछते हैं, चीनी क्या रेट है, आटा क्या रेट है। तो जो आपको लगता है कि मोस्ट सेलिंग आइटम है, आप उसे 1-2 रुपए डिस्काउंट में बेचिए, ताकि उन्हें ऐसा फील हो कि आपकी दुकान पर उन्हें सस्ता सामान मिलता है। बाकी जो सामान है वहां पर डिस्काउंट ना दें या फिर डिस्काउंट कम दें।
कोई ऐसा नहीं होता है कि आटा आपकी दुकान से परचेज करेगा, चीनी कहीं और से करेगा, साबुन कहीं और से करेगा, तेल कहीं और से करेगा। हम सब लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा कीमती है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों के प्राइस तो हम पूछते हैं, लेकिन हर चीज़ के प्राइस नहीं पूछते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी दो चार चीज़ों को भी प्राइस अगर डिस्काउंटेड होते हैं, सस्ते होते हैं, तो हम उस दुकान से बाकी सारा प्रोडक्ट भी परचेज कर लेते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों पर आप डिस्काउंट जरूर दें, जिनसे कि आप अपने ग्राहक को अपने साथ बांध सके। तो ये एक प्रोसेस था जहां पर आप इन प्रोसेस के साथ अपनी दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हर बिजनेस को हम मुनाफे के लिए करते हैं, मतलब प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन इस कंपटीशन के समय में प्रॉफिट कमाना भी एक चुनौती है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे कि आप अपने किराना स्टोर से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा प्राइसिंग। प्राइसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई ये देखता है कि मैं जहाँ से परचेज कर रहा हूँ कहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 की चीज़ की मैं 15 रुपये दे रहा हूँ या 20 रुपये दे रहा हूँ, कहीं और से मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और आप कम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा फैक्टर होता ही है। आपको अपनी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई ज़्यादा महंगा सामान बेच कर भी ज़्यादा ग्राहक अपने पास ला पा रहा है, मतलब सामान भी महंगा बेच रहा है और उसके बावजूद भी ग्राहक उसके पास ज़्यादा है। आपने ऐसा फील जरूर किया होगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? दोस्तों, यहाँ पर प्राइसिंग तो एक रीज़न है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, लोग अगर प्राइस कॉन्शियस हैं तो क्वालिटी कॉन्शियस भी हैं। लोग ये जरूर चाहते हैं कि कम कीमत में सामान मिले, लेकिन कम कीमत में अच्छा सामान लेना चाहते हैं। अच्छा सामान उनकी प्रायोरिटी है। तो आप केवल क्वालिटी प्रोडक्ट ही सेल करें जिससे कि ग्राहक आपके पास बार बार आए और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। प्राइसिंग एंड उसके बाद आपकी क्वालिटी, साथ ही साथ दोस्तों आपका बिहेवियर, आप किस तरीके से अपने ग्राहक के साथ डील करते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप अपने ग्राहक को ग्रीट करेंगे, उन्हें सही राय मशवरा देंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो सिर्फ आपके व्यवहार के कारण आपके पास ग्राहक बार बार आएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ग्राहक जब आपके पास आता है, आप उसके नाम से उसे पुकारते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, और इसी वजह से बार बार आता है आपके पास। और बाकी लोगों को भी जब कोई रेफरेंस देना होता है तो आप ही की दुकान का रेफरेंस देता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ नॉर्मल बातें थी कि आप प्राइसिंग अच्छी रखें, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दें, आप लोगों से अच्छा बिहेवियर रखें, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन साथ में और क्या फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर आपकी सेल्स इंक्रीज होगी? दोस्तों, आज के दिन हर कोई कंफर्टेबिलिटी चाहता है। और कंफर्टेबिलिटी किस चीज़ से आती है? कंफर्टेबिलिटी आती है जब आप लोगों के घर फोन पर ऑर्डर लेकर, व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेकर उनके घर आप प्रोडक्ट डिलीवर करवा दोगे। इसे हम कहते हैं ऑनलाइन डिलीवरी। तो अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी लोगों के घर पे करवा देंगे तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर है, और अगर ये फ्री में करवा रहे हैं तो ये सही में एक USP है आपके लिए। तो ये USP आप अपने दुकान में जरूर ऐड करें, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो आपको फ़ोन करता है, व्हाट्सएप करता है, SMS करता है, और आप उनके घर पर उनके प्रोडक्ट को डिलीवर करवा देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ले लेते हैं, देन दोस्तों आपकी दुकान उनकी प्रायोरिटी बन जाएगी और हर टाइम आप ही के पास ऑर्डर आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज के दिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। हर किसी के पास प्लास्टिक मनी है, और प्लास्टिक मनी के अलावा मोबाइल मनी, मोबाइल से भी लोग पेमेंट करते हैं UPI के थ्रू। तो आपको यह चाहिए कि आप जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप सिर्फ कैश पर फोकस ना करें। कैश के अलावा भले ही वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हो, भले ही वो ATM से पेमेंट करना चाहता हो, या फिर वो UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहता हो, अगर ये सारे ऑनलाइन पेमेंट के मोड आपके पास अवेलेबल हैं, देन अगेन लोग आज के दिन ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत करना चाहते हैं, जिसकी की वजह से आपके पास लोग आएंगे और आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो अगला सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी की वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी और आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वो है मार्केटिंग। दोस्तों, आप किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन मार्केटिंग करने का तरीके चेंज हो गए हैं। आप कौन कौन से मोड्स ऑफ मार्केटिंग को अपनाएंगे जिसकी की वजह से ग्राहक आपके पास आए? सबसे पहली चीज़, आप केवल दुकान खोलकर ये ना सोचें कि आपकी दुकान ओपन हो गई है तो अपने आप लोग आपके पास आएंगे। दोस्तों, आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा।
या हम बड़े सिंपल शब्दों में कहें कि आपको उन्हें न्योता देना पड़ेगा ताकि वो एक बार आपके दुकान पर आएं और उसके बाद आपके फीचर्स की वजह से, आपकी क्वालिटी, प्राइसिंग, बिहेवियर की वजह से बार बार आए। तो एक बार तो आपकी मार्केटिंग ही आपके ग्राहकों को अपने पास लेकर आएगी। अब आपकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है? सबसे सिंपल और इजी तरीका जो मार्केटिंग का होता है वो है पैम्पलेटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ब्रोशर या पैम्पलेट्स प्रिंट करवाकर अखबार के माध्यम से या फिर किसी लड़के के माध्यम से डायरेक्टली लोगों के घरों पर डिलीवर करवा दें ताकि लोगों को पता चले कि उनके आसपास कोई एक किराना स्टोर और स्टार्ट हुई है। हर कोई एक बार नए स्टोर पर जाना बड़ा पसंद करता है, तो जब उन्हें इन्फॉर्मेशन होगी कि एक नई स्टोर ओपन हुई है तो लोग आपके पास आएंगे। अगर आपके पास कोई डेटाबेस है तो आप SMS शूट आउट करा सकते हैं, आप लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, फेसबुक पेज बनाकर फेसबुक पेज पर ऐड लगाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर एक नई किराना स्टोर ओपन हुई है। बड़े बड़े होर्डिंग्स इम्पोर्टेंट लोकेशंस पर आप लगा सकते हैं, जिनसे कि जब भी लोग वहाँ से गुजरेंगे उन होर्डिंग पर उनकी नज़र जाएगी और जिसकी की वजह से लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर एक नई स्टोर ओपन हुई है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं मार्केटिंग के, माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो सकती है। दोस्तों, आप व्हाट्सएप पर कैटलॉग तैयार करें, आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल माई बिजनेस, इस तरीके के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाएं। और यहां पर प्रेजेंस बनाना बहुत ईजी है, आप ऑनलाइन ये सब चीजें आसानी से सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीखने के सारे साधन अवेलेबल हैं, बहुत थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि उनके एरिया में एक नई किराना स्टोर स्टार्ट हुई है और वो एक बार आपके पास जरूर आए। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो आप अपना किराना स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स ऑफ स्टार्टिंग ए किराना स्टोर। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई किराना स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करें वो सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर CNF या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लें और साथ ही साथ उसका बिल जरूर लें। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपने जितने भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं उनका मैनुफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आपको जरूर ध्यान रखना है। अबाउट टू एक्सपायर प्रोडक्ट परचेज ना करें और सेल्स भी ना करें, क्योंकि दोस्तों ये खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप एक्सपायर प्रोडक्ट बेचेंगे तो इसकी लीगल इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों, ये ध्यान रखने के लिए कि जो प्रोडक्ट पहले आया है वो पहले बिक जाए और जो बाद में आए वो बाद में बिके, इसके लिए आपको रैकिंग सिस्टम मजबूत बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको FIFO मॉडल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मॉडल पर काम करना पड़ेगा ताकि जो प्रोडक्ट पहले आया है वो पहले ग्राहक के पास जाए और जो बाद में आया वो बाद में जाए। ऐसा ना हो कि जो पहले आया है वो आपके रैक पे लगा रहे और बाद में आने वाला सामान उसी के ऊपर डलता रहे और आपकी एक्सपायरी इंक्रीज हो जाए, इसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी है हाईली सेल्स प्रोडक्ट की। दोस्तों, जैसे कि किसी भी किराना स्टोर में दालें, चावल, आटा, साबुन, तेल, पेस्ट, ये आइटम है जो हाईली मूविंग आइटम होती है, लेकिन इनमें भी आजकल अलग अलग कंपनीज आ गई हैं। तो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। जब आप स्टोर ओपन कर लेंगे तो हर महीने की सेल आप नोट डाउन करिए और ये देखिए कि कौन से प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है, और जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है उसका आप क्वांटिटी में परचेज भी कर सकते हैं। क्वांटिटी में परचेज करने से क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है जिसकी की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो साथ ही साथ दोस्तों, चूंकि आप खाने पीने के रिलेटेड बिजनेस में हैं तो आपको अपनी दुकान की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसीलिए आपको अपने स्टोर की सफाई और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पर और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है उसको रेगुलर आप परचेज करिए, अपने प्रोडक्ट को रेगुलर रिफिल करते रहिए ताकि कोई भी ग्राहक आपके पास से लौटे ना। दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट डंप ना करें। कई बार ऐसा होता है कि सेल्समैन के दबाव में आकर आप ऐसे प्रोडक्ट भी ज़्यादा परचेज कर लेते हैं जो कि सेल ज़्यादा नहीं होते, लंबे समय तक सेल नहीं होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को डंप ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमनली प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं उनकी परचेजिंग रेगुलर बेसिस पर होती रहे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको अपने किराना स्टोर में ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि आपको गलती से भी ये चीज़ें ना हों। सबसे पहली चीज़, तो आप कभी भी बिना बिल के कोई प्रोडक्ट परचेज ना करें।
इसके अलावा आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट अपने दुकान पे ना रखें। अगर आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपनी दुकान पर रखेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएंगे और इसकी वजह से आपकी दुकान की गुडविल डाउन होगी। साथ ही साथ एक्सपायरी प्रोडक्ट कभी भी परचेज ना करें, कभी भी सेल ना करें। एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल करना गैर कानूनी है और आपको लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर आप एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो इसका बिल्कुल बहुत बहुत ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, जब आप रैक मेंटेन कर रहे हो, जब अपनी अलमारी मेंटेन कर रहे हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके आसपास में बिना खाने पीने की चीज़ें ना हो। जैसे बिस्किट के बगल में आप कहीं तेल साबुन ना रख दें, क्योंकि दोस्तों इससे क्या हो सकता है, उसकी स्मेल, डिटर्जेंट की स्मेल अगर बिस्किट में चली गई तो आपके बिस्किट खराब हो जाएंगे। तो आपको अपना रैकिंग सिस्टम इसी तरीके से बनाना है कि जो खाने पीने की चीज़ें वो अलग हों और जो इस तरीके की चीज़ें हैं जैसे डिटर्जेंट्स हो गए या फिर कोई फिनाइल हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप अलग हो, जिससे कि एक दूसरे की स्मेल या फिर क्वालिटी में कोई खराबी ना आए। तो दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको अपनी स्टोर को मेंटेन करना है। दोस्तों किराना स्टोर का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आप इस बिजनेस को कैसे भी करें, कहीं भी करें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो प्रॉफिट आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, रिस्क फ्री बिजनेस है, तो ये बिजनेस जेन्युइनली रिस्क फ्री है। अगर आपने सही मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाई और आपने इस बिजनेस को फुल टाइम लेके किया, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो था किराना स्टोर बिजनेस के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त।